नमस्कार दोस्तों, राजीव दीक्षित जी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक चाय वित्तीय लिप्टन टाइगर, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय वित्तीय, उसका नाम है ताजमहल, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय वित्तीय, उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनी। चाय के बारे में, इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं? चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं, मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पिएंगे, मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। कॉफी पिएंगे, मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। तो क्या पिएंगे? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पिएंगे या दही की ताक पिएंगे या लस्सी पिएंगे या नारियल का पानी पिएंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पिएंगे, मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पिएंगे, मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए? उनका मुझे नहीं मालूम। सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती, तो जिस देश में साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें और गर्म चाय और कॉफी पी रहे, माने सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या सत्यानाश कर रहे हैं? अपने शरीर का, और अपने शरीर के साथ साथ देश का। देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं? परदेशी कंपनियां आपके देश में चाय कॉफी बेच रही है। पता है क्या होता है, चाय हमारे देश के किसान पैदा करते, कॉफी भी हमारे देश के किसान पैदा करते। ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे किसानों से चाय खरीदती हैं 24 रुपए में किलो, और वो 24 रुपए किलो की चाय जो खरीदते हैं किसानों से उसको हमें बेचते हैं 125 रुपए में। दोस्तों माने बीज का मुनाफा चला गया सब परदेशी। क्या होता है, हर साल ये कंपनियां हमारे देश में 70 करोड़ किलोग्राम के आसपास चाय कॉफी बेचते और हजारों करोड़ रुपया कमा के ले जाते। आपको मालूम है हम एक साल में जितनी चाय कॉफी पी लेते हैं उतने में हमारे देश का 5,600 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता। तो सवेरे ही सवेरे हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ परदेशी कंपनियों के हाथ में हम दे देते हैं, फिर कहते हैं भारत माता की जय। कहां से भारत माता जिंदा रहने वाली है? तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चाय कॉफी की अंग्रेजियत छोड़िए। तो आप पूछेंगे क्या पिए, हिंदुस्तानी बनिए, गाय का दूध पीजिए। गाय के दूध से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं है पीने के लिए। तो आप पूछेंगे क्यों, अगर आप 5,600 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पी रहे हैं, इतने ही पैसे का अगर गाय का दूध बिकना शुरू हो जाए इस देश में तो कम से कम 1 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, और 1 करोड़ गाय अगर पालनी पड़ेगी तो 25 लाख गोपालक चाहिए, क्योंकि 4 गाय एक आदमी देख सकता। तो 25 लाख गोपालक अगर चाहिए तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता उतने ही पैसे में जितने में हम चाय कॉफी पीकर हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को बर्बादी से बचा सकते हैं और हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं 5,600 करोड़ का अगर गाय का दूध पीना शुरू करें। और एक दूसरी बात कि अगर 1 करोड़ गाय हम पालें और उसमें से इतना दूध पैदा हो तो हर गाय एक साल के अंदर खड़े खड़े 25,000 रुपए का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करती है। गोबर जो देती है उसमें से 25,000 रुपए का खाद बनता एक गाय से। तो हर साल हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ रुपए का खाद पैदा होगा। ये 25,000 करोड़ रुपए का खाद आपके देश के किसानों के काम में आएगा, और उस खाद से जो गेहूं पैदा होगा, चावल चना पैदा होगा, उसका टेस्ट आप भूल गए हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भर भर के आपने खेत का नाश कर दिया।
तो हम गाय का दूध पिएंगे, 5,600 करोड़ का दूध बिकेगा, 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 25,000 करोड़ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा होगा। ये सब काम इस देश में हो जाएंगे। एक छोटा सा काम आपको करना है, अंग्रेजियत को छोड़िए, चाय कॉफी बंद करिए। उसके बाद आप अगर चाय कॉफी बंद करेंगे तो गाय का दूध, नारियल का पानी, संतरे का रस, मुसम्मी का रस, ये सब पिएंगे। संतरे का रस पिएंगे तो पैसा किसान के पास जाए, मुसम्मी का रस पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाए, नींबू का शरबत पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाएगा। माने चाय कॉफी छोड़कर आप कुछ भी पिएंगे भारतीय व्यवस्था का, तो पैसा देश का देश में ही रहेगा और हमारे ही किसान के पास जाएगा। ऐसे मैं आपसे दूसरी छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घरों में अंग्रेजियत की टूथपेस्ट आती है, कॉलगेट, क्लोजअप, सुबाका, फॉरहंस, ग्लीम, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट करने के लिए टूथब्रश भी। किसी से भी मैं पूछता हूं कि क्यों करते हैं ये कॉलगेट, तो कहते राजीव भाई सांस की बदबू दूर होती दूसरी चीज और दांतों की सड़न दूर होती। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी सांस में बदबू आती होगी। एक दिन ये बात मैंने मेरे घर में पूछी मेरी दादी माँ को, मेरी दादी माँ की उम्र है 75 साल। मैंने कहा दादी माँ तुम्हारे जमाने में तो कॉलगेट नहीं था तो तुम्हारे दांत तो सड़ गए होंगे और तुम्हारी सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कभी दादाजी तुम्हारे पास नहीं बैठते होंगे। तो उसने कहा कि बेवकूफ मेरे दांत अभी तुझसे ज्यादा अच्छे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि नीम का दातुन करती, बबूल का दातुन करती। माने अगर दांत बचाने हैं तो नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन, और दांत सड़ाने हैं तो करिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और एक दिन में 10-10 बार करिए। जितनी बार ब्रश रगड़ेंगे उतनी जल्दी दांत खोखले हो जाएंगे, ये आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। क्यों, जिन देशों में टूथपेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से एक देश है अमेरिका, और अमेरिका में ही सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं और दांतों के डॉक्टर भी सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्बादी आई है दांतों की, क्योंकि पेस्ट खरीदते। और ये पेस्ट क्यों खरीदते हैं, अक्सर हम मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है, दुर्भाग्य से कोई भी टूथपेस्ट में क्वालिटी नहीं है, ये जो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, क्यों, क्योंकि ये कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनियां कभी नहीं बताती आपको कि ये टूथपेस्ट बनता कैसे। कोई कंपनी अपने डिब्बे पे नहीं लिखती कि ये टूथपेस्ट कैसे बनाया। और ये भी जान लीजिए किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को ISI मार्क नहीं है, कॉलगेट को ISI मार्क नहीं, पेप्सोडेंट को ISI मार्क नहीं, क्लोजअप को ISI मार्क नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रद्दी किस्म के टूथपेस्ट हैं। क्यों है ये रद्दी, ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका जैसे टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। और हम क्या करते हैं रोज सवेरे ही सवेरे उठते मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने अपने मुंह से रगड़ते और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। बदबू दूर हो रही है कि बदबू आ रही है, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी चीज है टूथपेस्ट में, उसको कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट। इसको अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, और तीसरी भाषा में कहूं तो वो चीज जिससे बनता है सर्फ और रिन। माने जिस चीज से कपड़ा धोने का साबुन बनता है वही चीज डाली जाती है टूथपेस्ट। क्यों डालते हैं, झाग बनाने के लिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि जितना ज्यादा झाग बने उतना ही अच्छा टूथपेस्ट। तो उनसे मैं कहता हूं कि रिन से दांत साफ करिए, उसमें सबसे ज्यादा झाग बनता है। ये बेवकूफी है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज है टूथपेस्ट में सिंथेटिक डिटर्जेंट के अलावा, एक तीसरी खतरनाक चीज है, उसको कहते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड वो जहर है जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो हमारे देश में टूथपेस्ट बिक रहे हैं जिनमें मिलाया हुआ है फ्लोराइड जैसा जहर, जिनमें मिलाया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अब आप बताइए कि इन चीजों में क्वालिटी है क्या? ये सब चीजें बहुत ही रद्दी चीजें हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर क्वालिटी कहाँ है? बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन, बबूल का दातुन। जानते हैं क्यों? नीम एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारी प्रकृति में 3-4 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी, नीम, पीपल और बर। तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। नीम को घर के दरवाजे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। उस नीम के दातुन में है ऑक्सीजन, और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। हमें हमेशा जरूरत है ऑक्सीजन की। तो आप नीम का दातुन करते हैं तो आपको मिलता है ऑक्सीजन, और उससे भी बढ़िया एक दूसरा काम होता, जितनी देर आप नीम का दातुन चबाएंगे उतनी देर आपके मुंह में लार बनेगी, सलीवा बनेगा, और जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती हैं।
पेट की गड़बड़ी को दुरुस्त रखने में नीम के दातुन से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं। तो आप नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, अमरीका में, जर्मनी में इस समय कैंसर की सबसे अच्छी दवा नीम से बनती है, लेकिन अमरीका में नीम नहीं होता ही नहीं है, वहां जर्मनी में भी नहीं होता। तो कहां से जाता है? हिंदुस्तान से जाता है। यहां से जाता है नीम, उसमें से निकालते हैं नीम का तेल, उससे बनाते हैं दवाएं, और वो दवाएं पता है अमेरिका में किस भाव में बिकती हैं? नीम से बनाई हुई अमेरिका में कैंसर की एक गोली 980 रुपए की है इस समय। और अमेरिका की वो कंपनी क्या सोचती है कि उनके देश में तो नीम होता नहीं, तो हिंदुस्तान में नीम होता है, तो उसने क्या किया, नीम पर पेटेंट करवा लिया। और नीम पर पेटेंट करवा के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के उस पेटेंट को हिंदुस्तान में भी मान्यता दे, तो हमारा सारा नीम उनके कब्जे में चला जाए। आपको मालूम नहीं है बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है। और ये मालूम क्यों नहीं है? जब से घर में ईडियट बॉक्स आया है, जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं ईडियट बॉक्स कहता हूं, वो कभी जाहिरात नहीं देता नीम के दातुन की। कॉलगेट की जाहिरात रोज आती है, दिन में 50 बार आती है, 100 बार आती है, लेकिन नीम के दातुन की कभी नहीं आती। जिसमें बेस्ट क्वालिटी है वही कभी नहीं बताता। और हमने भी क्या किया है कि हमारे देश में हजारों साल से ये नीम का दातुन होता है, आज हमने मान लिया कि वो बेवकूफी है। अब स्मार्टनेस किसमें है? जानवरों की हड्डियों का चूरा रगड़ने में स्मार्टनेस, और बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन करने में बेवकूफी है। इसलिए आप करिए नीम का दातुन, बबूल का दातुन। एक बार मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी ने कहा राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, हम सब नीम का दातुन करेंगे, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान का नीम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 96 करोड़ लोग सब नीम का दातुन तोड़ेंगे तो ये तो खलास हो जाए। तो मैंने उसको जो जवाब दिया वही आपको कह रहा हूं कि नीम। धन्यवाद। जय हिंद।